हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सक्सेसफुल करियर। आज हम आपको बताने वाले हैं बीएससी नॉटिकल साइंस कोर्स के बारे में। ये कोर्स करके आप लाखों रुपए कैसे कमा सकते हो, तो इस वीडियो में सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। ऐसा इसका फीस कितना लगता है और हम ये कोर्स कैसे कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए हमें इस कोर्स को करने के लिए, इसका कोर्स ड्यूरेशन क्या है और बेस्ट कॉलेज क्या है इस कोर्स को करने के लिए, और हम इस कोर्स को कैसे कर सकते हैं, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएससी नॉटिकल साइंस ये 3 साल का कोर्स होता है और ये कोर्स करने के लिए हम आपको बता देते हैं कि ये 10+2 हमें करना पड़ेगा सबसे पहले, और ईच सब्जेक्ट एज ए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और आपका इंग्लिश में भी 60% होना चाहिए मिनिमम। और ये कोर्स अगर हम ये 10+2 कर चुके हैं तो हमें आईएमओ सेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद हम जो है हमारा जो रैंक होता है उस हिसाब से हम कॉलेज डिसाइड करते हैं। लेकिन ये अगर हमें कोर्स करना है बीएससी नॉटिकल साइंस, तो हम सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि हम स्पॉन्सरशिप के थ्रू अगर हम करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है जो है, क्योंकि ये कोर्स करने के बाद हमें 2-3 मंथ के अंदर हमें ज्वाइनिंग मिल जाती है शिप, और हमें जॉब सर्च करना नहीं पड़ता और आसानी से हम अपने कैरियर को मेंटेन कर सकते हैं एज अ टाइमली, नो वेस्ट ऑफ टाइम जो है। उसके बाद हम बात करते हैं जो कि कंप्लीट करने के बाद हमें 12 महीना चाहिए इसका एज अ काम कर सकते हैं एज अ डेक कैडेट। 12 महीने के बाद फिर हम सेकेंड मेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सेकेंड मेट का एग्ज़ाम देने के बाद फिर हम एज अ थर्ड ऑफिसर काम कर सकते हैं शिप पे। फिर उसके बाद दो शिलिंग करने के बाद कंपनियां प्रमोट कर देती है एज अ सेकेंड ऑफिसर। सेकेंड ऑफिसर में अगर हम बात करते हैं सैलरी की, तो अगर हम इंडिया में हैं तो 1.8 लाख रुपए होता है, और अगर हम जो है बात करते हैं फॉरेन शिप में अगर हम काम करते हैं एज अ सेकेंड ऑफिसर तो हमें 2.8 लाख के आसपास मिलता है जो है। उसके बाद हमें 12 मंथ चाहिए जो है अपना ये चीफ मेट का एग्ज़ाम निकालने के लिए। चीफ मेट का एग्ज़ाम निकाल लिए उसके बाद हमें जो है, अगर हम सैलरी की बात करें जो है, तो सैलरी का जो है, चूँकि हम चीफ ऑफिसर बन जाते हैं सेकेंड चीफ मेट का एग्ज़ाम निकालने के बाद, तो हम इंडिया में काम करते हैं तो 4 से 6 लाख रुपए मिलता है। अगर हम फॉरेन में काम करते हैं तो वही जो है 5 से 8 लाख रुपए हमें इजीली मिल जाता है जो है। तो उसके बाद अगर हम कैप्टन भी बनना चाहें तो आसानी से बन सकते हैं। हमें थोड़ा एक्सपीरियंस और बेटर नॉलेज चाहिए जो है, और जो है काफ़ी पेशेंस भी रखना पड़ता है इसके लिए जो है। उसके बाद पढ़ाई भी करनी पड़ती है, तो 12 महीने हमें अगर सर्विस हमने निकाल लिया फिर उसके बाद जो है हम कैप्टन का एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर एग्ज़ाम देने के बाद हम एज ए कैप्टन काम करते हैं अपने इंडिया में, तो इंडिया की सैलरी 7 से 8 लाख रुपए है जो है पर मंथ। अगर हम फॉरेन शिप में काम करते हैं तो हमें 10 से 12 लाख रुपये आराम से मिल जाते हैं, और उसके बाद जो है 15-20 लाख रुपये भी मिलता है जो है, ये एज ए कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये है सारा डिटेल्स। अगर कोई भी डिटेल्स आपको पूरी अधूरी लगी हो तो आप कमेंट करिए, आपको सारी डिटेल्स आपको दी जाएगी इस वीडियो में।